राधे राधे जय श्री कृष्ण। आज थाली में ऐसी चीज परोसी है जो ना खाए वो भी खा जाए, और बच्चे तो इसको ऐसे मांग मांग के खाएंगे कि बच्चे पहले इसे कभी नहीं खाते थे और प्लेट भी चाट लेंगे। मैं सच बता रही हूँ, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। तो ये है मेरे पास गुड़ों की खान, आयरन से भरपूर पालक, जिसे बच्चे खाने में ना बहुत ही नखरे दिखाते हैं, कभी कभार तो बड़े लोग भी नहीं खाते हैं। तो आज ऐसा बनाऊंगी कि इसको सब लोग ही खा जाएंगे। तो ये कैरी बैग आप देख रहे हो ना, ये कपड़े वाले आते हैं ना, बस उस पर ना इस पालक को रख लोगे ना तो आपका पालक पीला बिल्कुल नहीं पड़ेगा और ये पालक बहुत अच्छा सा रखा रहेगा। अखबार में रखती है ना तो ये सुकड़ भी जाता है और अच्छा भी नहीं रहता। तो बस इसको मैं पतला पतला काट लूँगी। तो हमें ये पालक को अच्छा सा काट लेना है, और मैंने पालक काट के इसको अच्छे से धो लूँगी, और धोने में भी इसको मैं अच्छे से रगड़ लूँगी ताकि इसकी क्वांटिटी कम हो जाए। कभी बड़े पत्ते रह जाते ना तो मैं इससे अच्छे से रगड़ के ना से धो लेंगे, ऐसे दूसरे बर्तन में निचोड़ के बाहर निकाल लेंगे। पालक को मैंने धो लिया है, अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी बेसन। तो मैं चम्मच से डाल रही हूँ, तो चम्मच की क्वांटिटी 1.5 चम्मच के बराबर है, तो सिर्फ आधा कटोरी ही डालना है। अगर जरूरत पड़े तो हम फिर से डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, तो नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालना है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्का सा हल्दी पाउडर, अब हल्का सा गरम मसाला डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन को हाथों से रगड़ के डाल देना है, क्योंकि इसमें बेसन है तो ये हैवी होता है, तो इसीलिए ये डाइजेस्ट करता है। बेसन में अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है। अब इसका है ना मैं एकदम पकौड़े जैसा घोल तैयार कर लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें बेसन का यूज़ और भी कर सकती हूँ, ताकि ये ना अच्छा सा घोल तैयार हो जाए। अब तवा चढ़ाया, तवे पर मैं ऑयल डाल दूँगी। अब इसके ऊपर ना बैटर को फैला देंगे, जिस तरह हम चीला बनाते हैं, चीला पतला होता है, इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाने वाली हूँ। तो बस इसमें ना चारों तरफ से अच्छा सा ऑयल डाल देते हैं। अब इसको मैं चेक करती हूँ चम्मच से, इस पर हल्का सा बेसन चिपक रहा है, यानी अभी नहीं पका है, तो बस ये 2 मिनट में और पक जाएगा। अब इसको मैं अच्छे से इसी के ऊपर अलट पलट के फोल्ड कर लूँगी, एक ही तरफ से इसे पकाना है। तो बस हम सारे चीले ऐसे बना के तैयार कर लेंगे। अब ये मिक्सर जार लिया है, इसमें ना हरी मिर्ची और डाल देंगे, टमाटर प्याज ये डाल के अच्छा सा पीस लेंगे। अब इसमें ना हमें इसको ना पीस लेना है, इसमें चाहो तो आप लहसुन भी डाल सकते हो, मैंने लहसुन ही डाला है। तो ये फाइनली पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो कढ़ाई गैस पे चलाते हैं, कढ़ाई में डाला ऑयल, ऑयल हो गया गरम, इसमें डालेंगे जीरा। अब इसमें डालूंगी मैं क्या डालने वाली हूँ, दालचीनी, थोड़ा सा तेजपत्ता, अगर आपके पास हो तो मसाले और भी डाल सकते हैं। अब जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना, बस वो वाला पेस्ट डालना है। अब इसको ना अच्छे से भून लेंगे इस पेस्ट को। अब इसमें थोड़े से हम मसाले भी ऐड करेंगे, इसमें डाला है थोड़ा सा नमक। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर थोड़ी सी, और तीखा करना आप जैसा खाएं उसी हिसाब से मिर्ची रखें, और 2 चम्मच भर के डाला है मैंने धनिया पाउडर। अब इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये आपके पास हो तो डालें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने डाला है तो आप भी डालें। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम पानी क्यों क्वान्टिटी हम आपको भी बताती हूँ, जब कभी बेसन की चीज़ें बनाते हैं ना तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डलता है, तो इसमें मैं 1.5 गिलास पानी का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ना बेसन की चीज़ें पानी बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करती हैं, इसीलिए आपको है ना पानी का विशेष ध्यान रखना है। तो ये मेरी लोटी बहुत छोटी सी है, इसीलिए मैं इसमें ना 2 पानी डाला है लोटा, क्योंकि ये ना 1.5 गिलास के करीब है। अब इसमें ना थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर डाल दिया है, यानी अमचूर का पाउडर डाल दिया है। ये कुछ तो मैंने नाश्ते के लिए बना के रख लिए थे, पतले पतले चीले, और कुछ मैंने ना सब्जी बनाने के लिए रख लिए थे, तो ये तो मेरा नाश्ते में हो जाएगा और ये सब्जी के लिए हो जाएगा। इसको है ना जिस तरह हमने तवे पर पलटा था ना वैसे ही छोड़ देना है। अब इसकी ऐसे लंबे लंबे करके पीस काट लेना है। तो आप देख पा रहे हो ठंडे हो जाते हैं तो बहुत अच्छे से इनके पीस कट जाते हैं। तो मैं ये खाने में खाली तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, सब्जी तो इसकी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आपकी थाली में बचेगी ही नहीं। तो बस हम ऐसे ही सब पीसों को काट लेंगे। तो हमने सारे पीस काट लिए, आप देख पा रहे हो ये अच्छे दिखने चाहिए, बहुत अच्छे दिखती रहे। तो बस इनको है ना इसमें ना तब तक मसाले में खोल भी आ चुका है पानी में, तो अब इसमें ना खोल आ जाए उसके बाद इसको हम ऐड करेंगे। आपको याद हो हम इस तरह बेसन की सब्जी बनाते हैं ना, हम बेसन के पेटोर की सब्जी बनाते हैं, सेम वैसे ही बनता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं होती, बस इसका चीला थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इसमें ऊपर से डालेंगे खुशबू के लिए कसूरी मेथी, और इसे और भी स्वादिष्ट बनता है। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाले की कोई मैं ऐड नहीं कर रही हूँ,
ये मेरे पास रखा था तो मैंने वही वाला गर्म मसाला डाल दिया। आपके पास जो भी हो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। ऊपर से डाल देंगे हरा भरा धनिया। तो फाइनली मेरी सब्जी बनके तैयार होगी। अब मैं लगाती हूँ प्लेट और ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप पहचान ही नहीं सकते कि पालक से बनी है, काय से बनी और है ना। इसके आगे पनीर, नॉनवेज जो खाते हैं ना वो भी इसको ऐसे खा जाएंगे, प्लेट चाट ही जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। इसको चावल से, रोटी से, जिससे दिल करे आप उससे खाएं, आप अपने बच्चों को टिफिन में दें तो आपके बच्चे हेल्दी भी हो जाएंगे और हरी भरी चीज़ें भी खा लेंगे। जो पालक ना खाए वो भी खा जाए। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करना। पालक नहीं खाएं उसको इस तरह भी मैंने बनाया उस तरह आप एक बार को जरूर बना के खिलाना। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटे को प्रेस करना। ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक।